अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से राना की रसोई में। तो आज हम बनाने वाले हैं जामा मस्जिद की एक ऐसी डिश जो सभी को पसंद आती है, बटर चिकन। और बहुत मशहूर है जामा मस्जिद की ये डिश। तो हमने बटर चिकन बनाने के लिए क्या लिया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिया है हमने ये 2 नींबू का रस जो इसमें डाल देंगे। और ये लिया है हमने हरी मिर्ची, पीली मिर्ची, दोनों को मिक्स करके हमने इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहो तो पीली का ले सकते हो या फिर हरी का, या पीली मिर्ची का पेस्ट वो भी ले सकते हो पाउडर। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। और ये डालेंगे कुटी हुई लाल काली मिर्ची। और ये चाट मसाला 1-1 चम्मच ले लिया है हमने। और ये नमक, ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये थोड़ी डालेंगे हल्दी। और ये गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे खूब अच्छे से। और मिक्स करने के बाद में इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, उसके बाद निकालेंगे। हमारा ये 1 किलो चिकन है, उसी के हिसाब से हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड की हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के मुताबिक। रख देते हैं इसको 20 मिनट के बाद हमने निकाल लिया है। और इसको हमने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच के लगभग ये रिफाइंड ऑयल। और इतना ही डालेंगे पानी। और इसको ढक के पकने देंगे। मीडियम ही गैस की फ्लेम हमने कर रखी है। इसको पलट पलट के ऐसे रोस्ट कर लेंगे। और जब तक हमारा चिकन रोस्ट हो रहा है, जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं जो दही के साथ बनने वाली है। हमने एक जाल ले लिया है। और ये थोड़ी पत्ती डालेंगे धनिए की। जब जामा मस्जिद स्टाइल में जब हम बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है बनाना। और एक ही मिर्ची डाल देंगे। और ये डालेंगे फ्रेश दही जो हमारे घर का अपना बना हुआ है, 2 चम्मच डालेंगे ये। पेस्ट बना लिया है। और ये फ्रेश मलाई है, ये मलाई डाल देंगे। इसकी जगह आप क्रीम भी ले सकते हो। और इसमें 1 चम्मच ही और डालूंगी मैं दही। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फेट लिया है हमने, अब डाल देंगे इसमें थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा ये चाट मसाला। चलते हैं गैस की तरफ। देखिएगा हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। तो इसको अब हम ग्रिल कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ग्रिल करने के लिए मैंने ये ग्रिल ली है, जिसमें मैंने ऑयल लगा दिया है जिससे कि ये बोटियाँ हमारी चिपके नहीं। तो इसको हटा के एक साइड करते हैं। अब एक एक पीस उठा के ऐसे रख देंगे इस पर। सारे सेक लेंगे इसी तरह से हम, और घुमा घुमा के सेकेंगे जिससे कि हमारे पीस जले नहीं। अब ये सिक गया है, बाकी के पीस भी सेक लेते हैं। सेक लिया है हमने सारा चिकन। अब इसमें ऐड करेंगे ये बटर। बटर इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे इसका डबल टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसको हम ज़रूर डालेंगे, भूलना नहीं है आपको भी। यह ऐसी गरम पीसेस के अंदर दबा दिया हमने, पिघल जाएगा। प्लेट में सर्व ना करके हमें एक बाउल में निकालना है। इससे क्या है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ओवन में गरम कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पे भी गरम कर सकते हो, लेकिन इसका बटर नहीं जलने पाए। सिर्फ एक बिल्कुल हल्की मीडियम आंच पे
तो हम सारा निकाल लेते हैं इसमें। अब ये डाल देंगे दही। इसमें हम सारे मसाले जो हमें डालना थे डाल चुके हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। फिर इसको हम मिक्स कर देते हैं एक बार। अब ये और डाल देंगे सारा। अगर हमारी ये ग्रेवी बचती भी है तो बहुत सी चीज़ों में ये काम आती है, जैसे कि बिरयानी में, तंदूरी चिकन में, चिकन टिक्के में। तो इसको हम रख देंगे जो बचेगी। और अब बारी आती है बटर की, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये भी डाल देंगे। ये देखिए, आप देख पाते होंगे यहाँ हमने कैसे बनाया है ये और कैसे सर्व किया है। तो आपको पसंद ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, तो आप ज़रूर बनाइए। तो इजाज़त दें, अब हमें इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।